लेना पीछे बुला दिया मैं राधिका जी वेट 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 पहले इधर तभी ले लेते हैं मैम आपके लैब में बिलाल के फोन में मैम वेट वेट थैंक यू कौन है प्रोजेक्ट का कौन है अरे भाई अरे हट लो उधर से फ्रेम क्यों खराब करो मैडम इधर देखिए ना किधर देखिए ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छी लगी. आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ज़माने भी अलग है. इट्स इन द 70s तो पूरी फिल्म की लुक भी बहुत अलग है और बेस्ड ऑन सम ट्रू फैक्ट्स. सो रियली रियली इंटरेस्टिंग स्टोरी टू वर्क ऑन. हाँ कोंकणा को बेस्ट डायरेक्टर इन न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल को मिली
I'm very proud of that. I'm glad that the film has traveled to so many festivals. Toronto mein shuru kiya, premiere kiya. Aur I'm mostly glad ki abhi India mein release ho rahi hai aur uske baad I think internet pe bhi release hogi, to it's great for the film. पहले तो लुक तो बहुत अच्छा है, बहुत अलग है. वो बेल बॉटम्स पहने थे और हेयर स्टाइल्स बहुत अलग थे. सो ऑब्वियसली इट्स नाइस टू डू दैट काइंड ऑफ थिंग, गेट इनटू द स्किन ऑन एंड लिटरली द कॉस्ट्यूम ऑफ द कैरेक्टर. बट ऑल्सो देयर इज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ बिहेवियर. एंड आई थिंक कोको वॉज वेरी गुड इन यू नो गाइडिंग अस, डूइंग वर्कशॉप्स विद अस टू प्रिपेयर फॉर दैट. हाँ, फर्क तो है. एक तो आदमी है, एक तो लड़की है. मतलब देयर इज अ डिफरेंस, बट आई कांट से क्या वो डिफरेंस है. वो हर डायरेक्टर के स्टाइल अलग है. आई डोंट नो इफ आई कैन से दैट विमेन डायरेक्टर्स आर कंप्लीटली डिफरेंट. दे गिव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, दैट्स ऑल. हेलो, गुड इवनिंग. बोलो भाई, बाल ठीक है क्या? बिग है, बिग है, असली बाल नहीं है. गलत जगह टांग डाली थी, यही होता है, टांग टूट जाती है. गलत जगह में टांग डाली थी मैंने. एक्चुअली मैं अब छुट्टी पे गया था कश्मीर, गुलमर्ग स्कीइंग कर रहा था, सीख ही रहा था मैं, वहाँ पे गिर गया और चोट लग गई, तो ऑपरेशन कराना पड़ा. बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस. मैं बहुत ही खुश हूँ फिल्म से, बहुत अच्छी फिल्म बनी है. तो पहले से पता था कि कोंकणा एक अच्छी फिल्म ही बनाएगी, क्योंकि उनकी सेंसिबिलिटीज़, उनसे बात करके ही समझ गया था कि वो बहुत बढ़िया फिल्म बनाएगी. बहुत अच्छा शूट किया इस फिल्म को शीर्ष ओरे ने. आई एम नॉट फेमिलियर विद दिस वर्क, बट इज इन अ टेरिफिक जॉब. और इससे अच्छी कास्ट के साथ मैंने काम ही नहीं किया. इट्स द बेस्ट कास्ट दैट एनीबडी कुड हैव होप फॉर. सो आई एम रियली प्लीज विद द मूवी. हालांकि मेरा एक्चुअली कितना कुछ करना है, मतलब करने को नहीं है फिल्म में, बट आई एम स्टिल वेरी वेरी प्लीज. बहुत खुशी महसूस हुई मुझे, क्योंकि सबकी मेहनत लगी है. एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर कोको ऑल्सो, कि उनकी पहली पिक्चर इतनी सफल रही है. ऐसा कोई मतलब अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि हम दोनों का जो तालमेल है, दोनों एक्टर और डायरेक्टर के बीच का जो तालमेल होना चाहिए, बहुत सही था. एंड शी इज़ वेरी इजी टू वर्क विद, और खुद ही बहुत ही सक्षम, बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है. तो वो एक सेंसिबिलिटीज़ भी है, बिकॉज वो एक्ट्रेस भी है, तो एक्टरों को समझती है, तो उसी हिसाब से डायरेक्शन देती है. तो कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं लगा कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, और फिल्म बहुत सुपर बनी. थैंक यू सो मच, बाय बाय. थैंक यू इज यस. हाँ, तो ये फिल्म ऑलरेडी टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में गई है, फिर बुसान फिल्म फेस्टिवल एंड क्वाइट अ फ्यू अदर फिल्म फेस्टिवल्स इज गॉन टू, एंड मोस्टली वी गॉट अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स. सो आई एम होपफुल दैट यू नो 2 June इट्स रिलीजिंग इन इंडिया, एंड आई होप दैट पीपल हियर विल ऑल्सो लाइक इट. हाँ,
देखिए आई थिंक यू नो इट्स नॉट अ हिंदी फिल्म, दैट्स ट्रू, इट्स लार्जली इन इंग्लिश, इट्स ऑल्सो गॉट सम हिंदी सम बंगाली इन इट, बट आई थिंक दैट इन सिटीज लाइक आई थिंक दैट मेनी पीपल वुड पॉसिबली यू नो रिलेट टू इट, इट इज दो अ स्लाइटली नीश काइंड ऑफ अ फिल्म आई गेस. Difficult to tha, but I think the most fun element was to recreate the world in 1979, because McCluskeyganj in 1979 is this really remote, isolated kind of a place, which is not even as developed as, you know, the cities are in 79. So it was really interesting to have to recreate that era. Thank you. हाँ नहीं, एक्चुअली मैंने ऐसा कभी प्लान नहीं किया था कि मैं डायरेक्ट करूँगी, लेकिन मुझे एक अच्छा आइडिया आया, मुझे ये आइडिया इतना अच्छा लगा उसको, आई मीन इन माय हेड आई स्टार्टेड डेवलपिंग इट अ लॉट एंड आई रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई फेल्ट दैट यू नो इट्स हैड बिकम सच अ बिग स्टोरी इन माय हेड, आई फेल्ट दैट आई हैड टू राइट इट डाउन एंड मेक द फिल्म. आई डोंट नो, अभी तक तो नहीं पता कि आगे क्या करेंगे. आई एंजॉयड द एक्सपीरियंस दो, एंड इफ आई फाइंड अनदर स्टोरी दैट्स एज कंपेलिंग देन आई लाइक टू डायरेक्ट अगेन. आई थिंक आई डोंट नो, दोनों ही बहुत मतलब टेंशन दे सकते हैं आपको, बट what I have been doing is I'm not thinking about it only. I was very busy with work and I've been trying to keep myself busy and keep my mind occupied, so I don't you know get overthink it and get really worried. Sorry? क्योंकि यू नो समटाइम्स यू फील लाइक ड्रेसिंग अप, समटाइम्स यू डोंट फील लाइक ड्रेसिंग अप, सो यू नो देर आर सर्टन एक्सपेक्टेशंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी दैट वन इज एक्सपेक्टेड टू लिव अप टू, एंड यू नो वन इजंट ऑलवेज अप टू द टास्क. अभी वैसा कुछ तो प्लान नहीं किया है आगे का, अब देखते हैं अगर फिल्म बनाए, अगर इसके आगे अब फिर वैसा अगर मुझे एक्टर ज़रूरत पड़े तो हम ट्राई कोशिश करेंगे. थैंक यू, थैंक यू. Who's asking? Hi. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. हनी त्रिहान जो हैं इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं एज अ प्रोड्यूसर, अभिषेक चौबे हैं, कोंकणा सेन हैं, सो इतने सारे जब ग्रेट क्रिएटिव्स जब एक फिल्म में जुड़ जाते हैं तो इट्स गोइंग टू बी अ प्रोडक्ट दैट्स डेफिनेटली समथिंग दैट आई लुक फॉरवर्ड टू, एंड आई होप दैट द ऑडियंस इज ऑल्सो इन्जॉय. आई थिंक एक बहुत ही इट्स अ वेरी होपफुल सिचुएशन एट द मोमेंट, नॉट ओनली फॉर दिस फिल्म बट फॉर द इंटायर इंडस्ट्री. जबकि एक फिल्म है जो फेस्टिवल सर्किट पर जब जाती है, इतने सारे अवार्ड जीतती है, आई होप दैट द इंडियन ऑडियंस इज ऑल्सो गिव्स इट एज मच लव एज द फेस्टिवल सर्किट हैज, सो दैट मोर फिल्म लाइक दिस कैन बी मेड इन द फ्यूचर. थैंक यू, थैंक यू. कौन से स्टार्ट किया?
सिद्धू सर इधर अपने वीडियो के लिए वीडियो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये फिल्म को देखने बिकॉज आई हर्ड सो मच अबाउट इट एंड आई हैव हर्ड दैट कोंकणा हैज डन अ मैग्निफिसेंट जॉब एज अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर सम ऑफ द एक्टर्स इन इट आर ऑल्सो फैबुलस कल्की विक्रांत देर ऑल ग्रेट एक्टर्स सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिल्कुल नो आई थिंक इट्स ट्रेमेंडस आई थिंक मोर पावर टू ऑल यू नो डायरेक्टर्स एंड इट्स ग्रेट दैट We've got so many more female directors in the industry and more power to them. Thank you. Nay, I think the whole film industry is not very happy with the slab that we've been put into. It's a pretty much the same slab as gambling and betting industries. And I don't think the film industry deserves to be in that slab. If you look across the entire country, all states, all regions, the average is 8-10%. तो अगर 8-10% का एवरेज हो अक्रॉस द कंट्री एंड 28% का स्लैब लगाया जाए इन एडिशन टू विच लोकल बॉडी टैक्सेस भी कैन ऑल्सो भी अप्लाई सो आई थिंक यू नो इट रियली इज अ वेरी ट्रबलिंग थिंग फॉर द इंडस्ट्री एंड आई होप दैट इट्स रोल्ड बैक सी हमारा ये प्रॉब्लम क्या है कि हम एक स्टेट में रह के हम अस्यूम करके कि सारे कंट्री में सेम टैक्स रेट अप्लाई हो रहा है इन द साउथ एंड इन द ईस्ट There are virtually zero taxes on entertainment. Because we're sitting in Maharashtra, we believe that, you know, that this is actually a good tax rate. But we have to look at the whole country. The whole country is not at this average. The average is 8-10%. We are meeting the ministers, we are making the representations, and we hope that our logic will be looked at because it is sound. अच्छा ये मुझे पहली बार खबर आ रही है नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज नो सच प्रोजेक्ट इन द वर्क्स वेल आई एम जस्ट लुकिंग एट ग्रेट स्क्रिप्ट्स राइट नाउ तो जब व्हेन आई हैव समथिंग टू अनाउंस आई विल डेफिनेटली अनाउंस इट थैंक यू I just started my class.
I can't hear. Right, right. Ho raha hai. क्या मेरे को समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन? मैं क्या कहूँ उनके बारे में? आई थिंक कंग्रेचुलेशन टू कॉनकोना, टू दिस होल प्रोडक्शन यूनिट हु हैज मेड दिस फिल्म. मैं बहुत बहुत सारे कंग्रेचुलेशन देना चाहती हूँ. बहुत अच्छी फिल्म बनी है, मुझे बहुत मज़ा आया काम करने में. बहुत यूनिट भी बहुत अच्छा था, सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा था, और कॉनकोना इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर. सो थैंक यू. राइट चॉइस, चॉइस मैं चूज़ करती हूँ. अगर रोल अच्छा नहीं हुआ तो मैं नहीं करूँगी, अगर मुझे रोल अच्छा लगा तो मैं ज़रूर करूँगी. या वैसे क्यों है? अब मैं आपको पूछ रही हूँ, मुझे नहीं मालूम क्यों कम है फीमेल डायरेक्टर्स इंडस्ट्री में. मुझे नहीं मालूम, आई थिंक देर शुड बी मोर फीमेल डायरेक्टर्स. अगर उनको हम लोग हौसला दें तो वो आ सकती हैं, क्यों नहीं. ओके इस पिक्चर के बारे में Hi, how are you? Yes. ये मैं एक लुक में हूँ, मेरे हम जो बोस शूट कर रहे हैं उसके लुक में, तो आई कॉन्ट रियली रिवील माई लुक. तो इसलिए मुझे आजकल आप कैप और बिनी ये सब पहन के देखेंगे. बहनों की जो बोस हम शूट कर रहे हैं तो उसकी शूटिंग चल रही है कोलकाता में, तो पर अभी बहनों की तेरी के प्रमोशंस के लिए हम लोग घूम रहे हैं, तो ऑफकोर्स आई कॉन्ट रिवील माई लुक. तो उसकी वजह से आप मुझे आजकल मैं कैप्स और बिनीज में रहता हूँ. जी जी जी, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है. कॉनकोना मेरी ही शीज़ वन माई फेवरेट एक्ट्रेसेस, और अभी वो फिल्म डायरेक्ट कर रही हैं, तो हम लोग रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म. और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इसमें, गुलशन है, कालकी है, जिम है, तो आई एम ट्रूली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आई थिंक आई एम गोना हैव अ ग्रेट टाइम. जी 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 जी, हम लोग देखिए कभी कुछ ऐसा नहीं बनाते कि किसी के रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट हों. और अब आप फिल्म देखेंगे तो उसमें भी हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि किसी के किसी भी तरह के कोई सेंटीमेंट्स हर्ट हों. पर हमारी लीगल टीम्स उससे डील कर रही है, तो आई थिंक आई वुड लाइक देम टू डील विद इट. आई थिंक बस इतना ही जितना मैंने बोला मैं उतना ही बोल सकता हूँ, उतना ही बोलना चाहूँगा कि हम कभी भी किसी के सेंटीमेंट्स हर्ट नहीं करना चाहते और ना ही करेंगे. थैंक यू. दोनों बहुत अलग फिल्म है, एंड आई रियली वांट कि दोनों फिल्में बहुत चलें, और दोनों फिल्मों
दोनों फिल्म पैसा कमाएं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, जितने फिल्म्स को सक्सेस मिलेगी, जितना पैसा कमाएगी वो उतनी आई थिंक अच्छे से और ऐसी फिल्म्स बनेंगी. तो आई रियली विश गुड लक टू एवरीवन. थैंक यू. I love Coco and I'm dying to see what she's made. She's such an amazing actor and I feel the actors who are in this film are very lucky to be directed by her, because I think she's probably brought out the most amazing performances out of everybody. I hope so. Oh, main karte hue mujhe nahi nahi, I don't think so. Main director banu nahi, mujhe camera ke samne acha lagta hai, piche nahi. अभी जब उसका टाइम आएगा मैं प्रॉमिस उसके बारे में बात करूंगी. अभी मैं भागूं. थैंक यू.